वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो इन टूडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ दी स्टफ्स दैट आई बॉट फ्रॉम मीशो। सो दिस विल बी अ मीशो हॉल फॉर शूज एंड बैग्स विच आर अंडर ₹400। सो फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज मीशो, लेट मी टेल यू दैट मीशो इज एन ऑनलाइन बाइंग एंड रीसेलिंग ऐप। So you just have to purchase some items from Meesho, and if you want to resell them, you can definitely do. You can get a profit margin from the products you sell to other customers. So this app will help you earn money just by reselling the items you buy from their website. So let us start the video with the first product that I have with me. Also, I will be starting with footwears, then I will be going to the bags that I have bought. So before starting the video, let me tell you one thing, that the prices of these products may fluctuate due to some kind of offers or sale. So if there is matlab 20-25 rupees ka idhar udhar ho sakta hai for the price. And one more thing is that सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर ऑन मीशो, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। सो उनके प्राइसेस भी अलग अलग होंगे। यू जस्ट हैव टू सी द रिव्यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी वन, बिकॉज रिव्यू से आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली कैसा है। मैं भी ऐसे ही ख़रीदती हूँ व्हेन आई बाय फ्रॉम मीशो। मैं पहले रिव्यूज़ देखती हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है लोगों को कैसा लगा है। मैं पिक्चर्स भी देखती हूँ। सो वैसे मैं मीशो से ख़रीदती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इन चीज़ों का जो प्राइस है वो इतना कम है, तो एक पॉसिबिलिटी होता है कि शायद कोई ख़राब प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाए। सो मीशो में रिटर्न भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, सो डोंट वरी। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। So this is a pair of block heels. This is in black color. This is a matte black color block heels. ये synthetic material का है, और ये जो black color है वो एक velvety finish में है। So these are very comfortable to wear as well. इसका जो हील है वो बहुत ही स्टर्डी है, ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा। कुछ हील्स में ऐसा होता है कि जो उसका हील होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसके वजह से वो देयर इज़ अ चांस कि आप गिर विर जाओ। सो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दिस इज़ वेरी वेरी स्टर्डी, एंड इसका जो यू नो हाइट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ अ वेरी वेरी डिसेंट हाइट। सो आई डोंट वेयर पेंसिल हील्स अ लॉट, एंड जो मैं हील पहनती हूँ वो ज़्यादा हाइट का नहीं होता है, क्योंकि आई हैव बैक इशूज़। सो यस, सो दिस इज़ द फर्स्ट फुटवेयर दैट आई हैव। सो द प्राइस विच आई पेड फॉर दिस फुटवेयर इज ओनली ₹267। सो उस प्राइस में अगर आपको एक ऐसा हील मिल जाए ना, so it's a great deal. If you want to buy this, just go for it. So this type of heels are usually you know sold above ₹300, और यहाँ आपको 267 मिल रहे हैं। so I think you should grab these. If I have to rate this in the scale of 10, I would definitely give it a 9.5. 0.5 इसका जो कटा है वो कटा है इसके इस वाले स्ट्रैप के वजह से। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा यू नो ऑर्डिनरी है, शायद विद टाइम ये ख़राब हो सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो यस, मैंने जितने भी फुटवेयर ऑर्डर किया है वो सारे के सारे नंबर 5 में है। So let us move on to the next one. Next that I have for you all is this beautiful gladiators. मुझे flat gladiators चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास heel वाले already है। So I was searching for a flat one, and I just got the exact piece which I really wanted. So this is a pair of gladiators. ये भी number 5 में है, और इसमें आपको ब्लैक कलर के
स्ट्रैप्स मिलेंगे, ये काफ़ी लंबा है एंड दीज आर रियली रियली कम्फर्टेबल टू वेयर। ये समर्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं विद मिनी स्कर्ट्स या फिर फ्रॉक्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये इसका जो ब्रांड है वो है स्कॉइल, SKOIL। मुझे इस ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने जस्ट इसको देखा, रिव्यूज़ देखे और मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। मीशो में एक्चुअली ना ब्रांड्स के बारे में ज़्यादातर कुछ लिखा नहीं होता है। सो द प्राइस दैट आई पेड फॉर दिस ग्लैडिएटर्स इज 336। Now let us move on to the third footwear that I have. This is my personal favorite. ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. This is so cute. ये एक white color का block heel है. इसका heel काफ़ी छोटा है, इतना ज़्यादा नहीं है, very very comfortable to wear. और इसका जो fit है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा है. Just see the फिनिश, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जो वाइट कलर है वो बिल्कुल भी पेल नहीं है, दिस इज़ अ वेरी ब्राइट वाइट कलर एक्चुअली। इसका भी नंबर 5 है। सो इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये किसी भी आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छे से चला जाएगा, विद जंप शूट्स या फिर फ्रॉक हो या फिर जीन्स हो या फिर साड़ी हो, कुर्ती हो, किसी भी ड्रेस के साथ ये बहुत ही अच्छे से चला जाएगा। अगर आप इसको कोई फॉर्मल वेयर के साथ पहनना चाहते हैं, इट वुड रियली रियली कॉम्प्लीमेंटेड लुक अ लॉट। सो इफ़ आई से दैट दिस इज़ माई फेवरेट परचेज अमॉन्ग ऑल ऑफ दिस, इट वोंट बी रॉन्ग। इफ़ आई हैव टू रेट दिस प्रोडक्ट आउट ऑफ 10, आई वुड गिव इट 10/10। दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं सारे प्रोडक्ट्स के जो कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप कोड लेकर आप सर्च बार में पेस्ट कर सकते हो ऑन मीशो वेब मीशो ऐप। द प्राइस ऑफ दिस इज़ ओनली ₹366 विच इज़ बिलो 400 एंड आई एम वेरी 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 सेटिस्फाइड विद ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव रिसीव्ड। सो यस, दिस इज़ माई थर्ड परचेज। So now let us move on to the last footwear item that I have. This is a very beautiful nude colored block heel. इसका भी जो number है वो number 5 में है। ये भी काफ़ी अच्छा और comfortable footwear है। इसका जो सोल है वो काफ़ी स्टर्डी है, इसका हील भी बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, ये इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है, बहुत ही स्टर्डी है। बाकी अगर मैं इसकी फिनिशिंग की बात करूँ ना तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लाइक द वाइट वन, इट इज़ नॉट डेट अप टू द मार्क। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ ₹359, लेकिन इसमें एक ऑफ़र था जिसके कारण मुझे ये मिला ₹338 का। So now let us move on to bags. So I bought 2 bags from Meesho. The first one is, so this is a very beautiful pastel green colored sling bag. ये बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है एंड दिस इज़ वेरी वेरी स्टाइलिश। और इसका जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। कैमरे में ये अच्छे से पता नहीं पोर्ट्रे नहीं हो रहा है, लेकिन इन रियलिटी इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। ये एक पेस्टल ग्रीन कलर में अवेलेबल है। इसका जो फिनिश है, जस्ट लुक एट द फिनिश ऑफ दिस प्रोडक्ट, इतना ज़्यादा अच्छा है। और ये वाला जो चेन है वो थोड़ा सा मुझे ऑर्डिनरी लगा, क्योंकि आई फील लाइक ये थोड़ा प्लास्टिक की फिनिश में है, सो इसका कलर मे बी फेड हो सकता है विथ टाइम।
इसका जो स्ट्रैप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और लेट मी शो यू द स्पेस, इसके अंदर का स्पेस. द स्पेस दैट इज़ प्रोवाइडेड इज़ वेरी वेरी डिसेंट. और अंदर भी जो है आपको जो फिनिश मिलेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे बैग्स में ना मतलब बाहर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन अंदर जब आप इसको खोलो ना तो थ्रेड्स निकले हुए मिलेंगे या फिर फटे हुए मिलेंगे कपड़े. सो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. और यस, अंदर भी आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलेगा. दिस इज़ द कंपार्टमेंट. द प्राइस ऑफ दिस बैग इज़ ₹397, विच इज़ ऑलमोस्ट ₹400, बट दिस बैग इज़ वर्थ द मनी. इसका साइज भी काफ़ी डिसेंट है. So the last product of today's video is this beautiful black color cloud bag. दो स्ट्रैप्स मिलेंगे आपको यहाँ. और ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रैप है, दीज कैन बी रिमूव्ड एज वेल. सो इस तरीके से आप इसको रिमूव करके सिर्फ इसके साथ भी ऐसे ही कैरी कर सकते हो. दीज टाइप ऑफ बैग्स आर रियली रियली वर्सेटाइल टू कैरी, क्योंकि ये जो कलर है ब्लैक, दिस गोज़ विद ऑलमोस्ट एवरी आउटफिट. सो आपके पास एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का ऐसा एक स्लिंग बैग ज़रूर होना चाहिए. द प्राइस ऑफ दिस बैग इज़ ₹288. इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा थिन है, वो इतना ज़्यादा थिक नहीं है. और इसके अंदर जो आपको स्पेस मिलेगा वो भी काफ़ी डिसेंट है. इसके अंदर भी आपको डिटेलिंग्स अच्छी ही मिलती है, बिल्कुल भी फटा हुआ आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा है. और अंदर आपको दो कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस वन. सो दिस इज़ द सेपरेशन बिटवीन दीज. एंड यहाँ अंदर की तरफ आपको और एक चेन मिलेगा. This is the last product that I have for today's video. I hope you all have enjoyed watching this video. So just comment down below, इसमें से आपको कौन सा product जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. Give it a thumbs up if you like this video. If you are new to my channel or seeing this face for the first time, do subscribe to my channel and hit the bell icon to get notifications whenever I come up with a new video. So stay tuned and I'm gonna see you soon in my next video. Till then, bye bye.